नमस्ते फ्रेंड, बताते चले कि आप लोग बहुत आदमी वरुणदेव मंदिर आए हैं, जो नहीं आए हैं उसको बता दें कि रायपुर से आपको वरुणदेव मंदिर आना है तो करीब करीब 147 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ने वाले हैं। और अभी हम लोग चलते हैं सिंगा होके, तो सिंगा होके आप लोगों को थोड़ा सा काम पड़ेगा। फ्रेंड, जो सामने में आप नदी देख रहे हैं और पुलिया, ये एक्चुअली में नदी जो है शिवनाथ नदी या सोमनाथ नदी का नाम से जानता है। तो हम लोग इसी का ऊपर अभी पार हो रहे हैं, देख सकते हैं अभी पानी पूरा फुल भरा हुआ है और थोड़ा पानी गिरता है बरसात में तो और ज़्यादा पानी रहता है। सर उतना पानी नहीं हुआ करके थोड़ा सा कम पानी दिख रहा है, नहीं तो पूरा रोड डूब जाता है पानी में। आज का मौसम फ्रेंड बहुत अच्छा है, ना ज्यादा धूप ना छाव, मीडियम है। और हम लोग बहुत लेट से निकले हैं, लेट से ही सही चलते हैं और दिखाते हैं वहाँ पर क्या है नहीं है, थोड़ा बहुत घूमेंगे। फ्रेंड अभी हम लोग बस वरुणदेव मंदिर से 3 से 4 किलोमीटर दूरी में खड़े हैं, जहाँ कि हम लोग थोड़ा सा फल्ली लेने के लिए रुके हैं। ये झाड़ियों के बीच से आपको पहाड़ शायद दिख रहा होगा सामने में, वो पहाड़ एक्चुअली में चिल्पी घाटी जाता है। यही चिल्पी जाने के लिए यही रास्ता से आपको पहाड़ का ऊपर से घूम घूम के जाना। फ्रेंड हम लोग चिल्पी बाद में चलेंगे अगर समय रहेगा तो, अभी तो हम लोग मंदिर चलते हैं। और ये देखिए सामने में पहाड़ दिख रहा है फ्रेंड,
थोड़ा सा अभी दूर और है, और करीब करीब 2-2.5 किलोमीटर के आसपास बचा है। बस प्रिंट हम लोग और ज़्यादा दूर नहीं है भोरनदेव मंदिर से, क्योंकि ये जो सामने में गेट देख रहे हैं ये मेन गेट है भोरनदेव के लिए। मेन गेट के ऊपर में ये गेट है, और हम लोग थोड़ा सी दूर जाके बाएं साइड में अपना रास्ता ले लेंगे मंदिर के लिए। ये सामने में देख सकते हैं एक सीधा गया एक बाएं गया है, तो बाएं वाला रास्ता हम लोग पकड़ लेंगे सीधा यहाँ से, और कुछ ही दूर में मंदिर पड़ेगा। फ्रेंड सामने में जो पहाड़ आप देख रहे हैं इसका ऊपर में एक मंदिर और है, जिसको जाने के लिए आपको ये साइड से जाना पड़ेगा चढ़ के, और ये हम लोग अभी इस साइड चलेंगे जो कि भोरनदेव मंदिर पड़ेगा। चलिए चलते हैं। सरकारी बोर्ड लगा हुआ है, और हम लोग चलते हैं अभी अंदर में। देख सकते हैं कि पत्थर पूरा बिछा हुआ है, और ये आपका हम लोग आ गए मंदिर की अंदर में, जो भोरनदेव मंदिर आप लोगों को बोले ये गर्भगृह है जहाँ पर मेन पूजा होता है। और नीचे में देख सकते हैं शिला रखा हुआ है जो कि मूर्ति है, ये बहुत प्राचीन मूर्ति है, ये गर्भगृह में पूजा वगैरह होता है यहीं पर ही। देख सकते हैं ये
और एक्चुअली में अंदर में फ़ोटो लेने के लिए महाराज मना कर दिया है, तो हम लोग बाहर आ गए हैं। पूरा जितना दिखाना था आप लोगों को दिखा ही दिए हैं, और ये बाहर का कुछ नज़ारा देख सकते हैं आप लोग। और चलिए अभी चलते हैं हम लोग थोड़ा सा पीछे तरफ, और ये पीछे तरफ जाने से पहले आप लोग देख सकते हैं कि मंदिर का जो पत्थर है, पूरा पत्थर में कुछ मूर्ति का कारीगरी किया हुआ है, और ये जो कि बहुत पुराना पत्थर में कारीगरी जो किया है, बहुत ही पुराना टाइम का है। तो चले चलते हैं। और फ्रेंड जो हनुमान मंदिर है, ये हनुमान मंदिर सामने में देख सकते हैं यहाँ पर है। ये मंदिर अभी नया बनाया गया है, ना ज़्यादा पुराना ना ज़्यादा नया। और सामने से जो आ रहे हैं ये सब मंदिर से, इधर से इन होता है और ये साइड से आउट होता है। हम लोग भी क्या है ना, आप लोगों को दिखाने के लिए इधर से ही निकल गए हैं, निकालना इधर से था। और ये देख सकते हैं ये है हनुमान जी का मंदिर, और पूरा मंदिर में पत्थर बिछा हुआ है फ्रेंड, बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर थोड़ा बैठ भी सकते हैं, मन बहुत ही अच्छा लग महसूस होता है मन में। ये मंदिर है हनुमान जी का, और ये देख सकते हैं पूरा मंदिर का जो मंदिर बना हुआ है, ये पूरा मंदिर है, पूरा पत्थर ही पत्थर मंदिर बना हुआ है। ये चार खंभा में टिका हुआ है पूरा मंदिर, ये भी एक मंदिर है सामने में। और हम लोग अभी आ गए हैं गार्डन साइड, जो कि आप लोगों को पहले ही घुसते ही साथ बताए थे कि बाएं साइड में जो गार्डन है, ये गार्डन भी आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा गार्डन है। यहाँ पर अगर बच्चा लोग साथ में आता है तो यहाँ पर थोड़ा सा बच्चा लोगों को लेकर घुमा सकते हैं। पूरा हरा भरा दिख रहा है। और फ्रेंड इस साइड में जो है, इस साइड में भी सब पूरा पेड़ पौधा लगा हुआ, बैठने का जगह बना हुआ है। सामने देख सकते हैं मिट्टी का सीमेंट का हिरन बना हुआ है, और ये अच्छा है फ्रेंड घूमने के लिए। ये पानी के बीच में भी कोई मंदिर है एक, तो देख सकते हैं ये। ज़्यादा समय नहीं है फ्रेंड, इसलिए हम लोग ज़्यादा घूम नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा सा काम है तो और दूसरा जगह जाना है। थोड़ा बहुत आप लोगों को भी दिखा देते हैं, ये बस इतना है। इस साइड में जाएंगे तो मंदिर का मतलब सॉरी पार्क बैठने बैठने के लिए बना हुआ है पूरा, ये देख सकते हैं पूरा ऐसे ही है। अभी चलते हैं हम लोग बोट में, तो देखिए फ्रेंड अब हम लोग बोट में बैठे हैं, पैडल मार मार के घूम रहे हैं पानी में, और मन में डर भी लग रहा है, छोटा बोट है, पानी में तो आधा डूबा हुआ है, उसको डर लग रहा है।